हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। ये देखिए, मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी और तंदूरी गार्लिक नान। ये देखना, मैं अभी आपके साथ छोले की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी, फिर नान की रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। ये मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं कुकर में। ये देखिए, सिर्फ मैं पानी डालूँगी बस, और कुछ नहीं डालूँगी। और ये पानी मैं यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं। जो रात का पानी था भिगोने वाला, उसको अलग कर दूँगी, और ये बॉईल वाला पानी नहीं फेंकूँगी। ये देखिए, मैंने मिर्ची लिया है, लहसुन, अदरक और ये प्याज लिया है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है, और ये खड़ा गरम मसाला लिया है थोड़ा सा, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च, यही सब है, खसखस, और काफ़ी मसाले थे ये, गरम मसाले में जो जो आता है ये सब मैंने ले लिया है। और अब मैं कढ़ाई में सबसे पहले जीरा डालूँगी, मिर्च, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये तीनों डाल दूँगी, और उसके बाद फिर प्याज डालूँगी। तो ये देखिए, मैंने लहसुन डाल दिया है, मिर्च अदरक भी डाल दिया है। अब इस समय हमें ऑयल कम लेना है, इतना ज़्यादा नहीं लेना है। ये प्याज डाल दिया है, अब इनको स्लो फ्लेम में ही हमें कुछ देर तक बस चलाते हुए इसी तरह से फ्राई करना है। देख सकते हैं ना आप, ये इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है। और इसमें हम ये अभी गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला है, ये भी डाल देंगे। ये देखिए, ये खड़ा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है इसमें। बस इसे ब्राउन होने तक हमें इसी तरह चला चला कर अच्छे से, ये देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, तो बस अभी इसे और अच्छे से ब्राउन करना है हमें। तो इसी तरह से हम चला चला कर इसे ब्राउन करने होने तक से मतलब फ्राई कर लेंगे। ये जब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ, तो ये धनिया पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, और फिर उसके बाद हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, और मिर्च पाउडर अपने वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, जैसा खाते हो तो उस हिसाब से मैंने लिया है ये। और थोड़ा सा सब्जी मसाला था मेरे पास, और छोले मसाला था, वो भी मैंने ले लिया है, और हल्का सा भी गर्म मसाला डालूँगी, फिर बाद में गर्म मसाला तो बाद में भी यूज़ करता हूँ, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा ही डालेंगे। और ये इस तरह से मसाला बना के रख लो तो टेस्ट अलग ही आ जाता है सब्जी का, क्योंकि सब सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना। तो ये पानी डालकर मैंने इसका एक पेस्ट टाइप का बना लिया है। ये देखिए, इस तरीके से गोल का मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। बनाकर देखिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कैसे बनी थी। ये देखिए, हमें मसाला तैयार हो गया है, और ये सब्जी भी मतलब जो प्याज और ये सब हमने तलने के लिए रखा था, तो ये सब अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए, स्लो फ्लेम में ही हमें मतलब ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। बस ये ब्राउन हो जाएगा, हो ही गया है बस। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे काट कर, जितने आपको जैसे डालना हो वैसे। दही भी इसमें आप डाल सकते हो, बट मैंने दही का यूज़ नहीं किया है। बट दही डालेंगे तो इस टाइम नहीं डालेंगे, उसको ग्रेवी के बाद डालना है, इसलिए मैंने सिर्फ टमाटर यूज। ये देखिए, हमारे छोले भी बॉयल हो गए हैं, और ये बहुत ही अच्छे बॉयल हुए हैं। ये देखिए, मैंने ये अच्छी तरह से मतलब दब रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे ही बॉयल हो गए हैं। तो ये मसाला भी हमारा हो गया है, तो बस गैस बंद करके अब हम इसे एक प्लेट या थाली किसी भी बर्तन में निकाल कर इसे थोड़ी देर पर हवा में रख देंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैं इसे पंखे की हवा पे रख के थोड़ी सा ठंडा कर लूँगी, फिर उसके बाद इसको पीसूँगी मिक्सी पर। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, बस अब हमें फिर से बघार लगाना। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया, आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना है हमें। ये ऑयल ले लिया है मैंने कढ़ाई पर, और अब हमको तेज़पत्ता और जीरा इससे फ्राई करना है। तो ये मैंने जीरा लिया है और तेज़पत्ता लिया है, तो जीरा डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद तेज़पत्ता डालेंगे, जीरे हल्के से क्रैक हो जाएंगे तब। ये डालने के बाद वही पेस्ट डाल देना है हमको जो हमने बनाया है, और इसे अच्छी तरह से मतलब जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे तब तक अच्छी तरह स्लो फ्लेम में हमें अच्छी तरह से पकाना है, इसे फ्राई करना है एकदम। अगर आप वहीं खड़े होकर चला रहे हैं तो मीडियम फ्लेम में भी आप इसे भून सकते हैं,
ये देखिए हमारा मसाला साइड से ऑयल छोड़ने लगा है। तो अब हम जो मसाला हमने बना कर रखा था पिसा हुआ मसाला, उसको हम डाल देंगे। और इसे भी हमें तब तक भूनना है ये मसाला डालने के बाद, तब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए मैंने ये पूरा मसाला डाल दिया है और ये जब तक ऑयल नहीं छोड़ देगा तब तक हम इसे भूनेंगे। ये देख सकते हैं ये मसाला भी हमारा अच्छी तरह से मतलब हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगा। अब नमक डालना है हमें इसमें। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल सकते हैं। मैंने ये जब मसाला फ्राई किया था, मतलब प्याज ये खड़ी फ्राई की थी, तब मैंने हल्का सा नमक डाला था, तो उसको देखते हुए आपको इसमें डालना है, नहीं तो तेज़ हो जाएगा नमक। इस तरह से हमें चलाकर अच्छी तरह से इसे भूंज लेना, जिससे ये साइड साइड से ऑयल जब तक छोड़ देगा। ऑयल छोड़ दिया मतलब मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। और मसाला अच्छा बनेगा तभी हमारी सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी, नहीं तो मसाला नहीं भूंजेगा तो सब्ज़ी भी एक भी टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी डाल दें इसमें। बस हमारी सब्ज़ी हो गई। अब इसमें हम छोले, वो बॉयल हुए वाले छोले डाल देंगे, ये देखिए। और जो हमने बॉयल करते टाइम पानी डाला था उसमें, वो पानी हमें फेंकना नहीं, ये साथ में ही मैं डाल दूँगी, ये देख सकते हैं आप। और मैं साइड में एक पैन में थोड़ा सा पानी मतलब पानी रखी, उसमें चाय पत्ती डाल के बॉयल कर रही हूँ उसको, तो ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं ये डाल दूँगी। ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो गया है, अच्छा कलर आ गया है। तो ये कलर के लिए हम ये चाय पत्ती का पानी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप जब बॉयल कर रहे हैं तब भी आप चाय पत्ती की पोटली बना कर डाल सकते हैं, बट मैंने वो नहीं डाला इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा आप देखना सब्ज़ी का। बस इसे चलाते हो, आपको जितना मतलब क्वांटिटी जैसी रखनी हो तो आप और पानी डाल सकते हैं, बट हम लोग इतना ही खाते हैं, मतलब इसी टाइप की थिकनेस चाहिए हमको। तो ये देखिए छोले ने हमारे साइड से ऑयल छोड़ दिया है, मतलब हमारा छोला बन के तैयार हो गया है। अब मैं साइड में एक पैन चढ़ाऊँगी और उसमें थोड़ा सा घी डालूँगी। ये देखिए ये देसी घी है, तो ये मैंने घी डाला है और इसमें थोड़ा सा घी हो जाएगा हमारा मतलब थोड़ा सा, तो उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी। आप चाहे तो आप कलर के हिसाब, अगर आपकी सब्ज़ी में कलर कम हो तो आप रेड मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें कलर वाली, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमारी सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए घी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें जीरा डाल दूँगी हल्का सा, और मिर्च डालूँगी, दो तीन खड़ी मिर्च डालूँगी मैं हरी वाली, आप चाहें तो लाल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया। हरी मिर्च ही डालूँगी मैं इसमें। ये देखिए दो चार मैंने हरी मिर्च डाल दी, इसको मैंने काट लिया था बीच से, नहीं तो ये फूटने का डर रहता है, तो ये मिर्च डाल दिया है। बस ये हल्की सी मिर्च हो जाएगी, उसके बाद मैंने हल्का सा फिर इसमें पाउडर डाल दिया है क्योंकि मिर्च मुझे कम लग गई थी। ये देखिए बस इसी तरह से हमें अच्छे से मिर्च को जाने देना है, और ये करने के बाद टेस्ट इतना ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी करके देखना, बना के देखना इस तरह से सब्ज़ी। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी रेडी है। मैं गरम मसाला इसमें ऊपर से हल्का सा डालूँगी, हमारी सब्ज़ी पक गई उसके बाद मैं डालूँगी ये गरम मसाला। डालने के बाद ये पैन में जो हमने बनाया हुआ है बघार लगाने के लिए, तो इस तरह से बस ये बघार लगा देना है। ये देखिए होटल स्टाइल एकदम ढाबा स्टाइल को बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, और आप एक बार यूज़ करके देखना है। ये देखिए बस बन गई। बस मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। आइए आप भी खा लीजिए मेरे साथ, और बहुत ही टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा बना था। एक बार आप भी बनाकर देखना और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना ज़रूर। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। बाय।